एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मां तारा के दर्शन किए और पश्चिम बंगाल में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। मिश्रा ने कहा, हमारा अन्नदाता सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़े इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, लोकसभा में हाफ हुई तृणमूल कांग्रेस विधानसभा में साफ होगी। नरोत्तम मिश्रा ने पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में स्थित तारापीठ में शक्ति स्वरूपा माँ तारा के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर बंगाल के सह प्रभारी अरविंद मेनन और मिश्रा ने पार्टी के स्थानीय नेताओं के साथ मां की विधिवत पूजा अर्चना कर सभी देशवासियों की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। चुनावी सभाओं में मिश्रा ने कहा, अगर कोई सरकार किसानों के हित में कार्य कर रही है तो वह नरेंद्र मोदी जी की ही मजबूत इरादों वाली सरकार है। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का पश्चिम बंगाल में उदय हो रहा था और कांग्रेस व कम्युनिस्ट पार्टी अस्ताचल की ओर थी। लोकसभा में हाफ हुई तृणमूल कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव में साफ हो जाएगी। पश्चिम बंगाल में अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले होते थे, 134 लोग हमारे मारे गए अभी तक, और इसमें अधिकांश लोग तृणमूल के लोगों ने हमला किया। मैंने अभी अपने भाषण में भी कहा, यहाँ पर माफिया राज हावी हो गया है। लोगों को डराकर, धमकाकर, भय से ये लोग अपने माफिया राज को स्थापित करना चाहते हैं। हर क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल में लूट का आलम है और भ्रष्टाचार का तांडव हो रहा है, और इसलिए मैं गवर्नर की बात से सहमत हूँ। ऐसा मैंने कहा था, मैं मुख्यमंत्री आज भी कह रहा हूँ, अपनी बात में कायम हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनती है तो मैं यहाँ के मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत निवेदन करूँगा कि मध्य प्रदेश की तरह, उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ पर भी लव जिहाद के कानून को लागू किया जाए। हम देख रहे हैं यहाँ पर कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है, आपराधिक राज है और भ्रष्टाचार का राज है, माफिया का राज है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।